वेलकम बच्चों, आइए हम लोग लास्ट सीखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। हम लोग को सीखना है नंबर 6 इन इनवर्स इफ ए क्वांटिटी एक्स डिपेंड ऑन ए एंड बी इन सच दैट 1/x = 1/a + 1/b। तो इसमें आप बहुत दिमाग मत लगाइए और अभी आप इसको थोड़ा सा डायरेक्टली सीख लीजिए, बाकी इसका डेरिवेशन भी हम शॉर्ट बताते हैं। देन डेल्टा एक्स बाई एक्स भी हो जाएगा, दैट इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी के रूप में ये डील किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका डेरिवेशन करते समय थोड़ा सा याद रखें, हल्का सा हिंट कर देता हूं मैं, लॉग लेते दोनों साइड का। ये कैसे पाए हैं, टेकिंग लॉग ऑफ 1/x = 1/a + 1/b। इसको अगर आप या इसको इस रूप में सॉल्व कर ले, पहले किस रूप में x = LCM लेके सॉल्व करेंगे इस रूप में आ जाएगा। देखिए वैसे तो डायरेक्ट आप यूज करना सीखिए, लेकिन हम हिंट कर रहे हैं इस रूप में समझा करके, टेकिंग लॉग ऑफ x a (b) / a + b। तो देन कैसे आ जाएगा हमारा ये, तो log x बराबर आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log a by b। यहां माइनस होगा क्योंकि नीचे में है, लेकिन अगर हम एरर के टर्म में समझेंगे डिफरेंशिएटिंग, अब इसको हम डिफरेंशियल करेंगे, इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप मैथमेटिकल टूल्स का डिफरेंशियल समझे होंगे। डिफरेंशिएटिंग वी गेट, और चूंकि एरर निकल रही है तो यहां पर जितने भी माइनस हो जाए प्लस, उसको हम प्लस के रूप में ही ट्रीट करेंगे। 1/log x का जो डिफरेंशियल होता है 1/x होता है। तो डेल्टा x बाई एक्स बराबर डेल्टा a बाई ए, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, पार्शियल है इसलिए डेल्टा लगता जा रहा है ऊपर, तो log का 1/x या 1/a 1/b, और यहां हमारे कहा एरर में सब पॉजिटिव ही लेंगे, तो डेल्टा x प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b, ये आपका इसका फॉर्मेट है, ये आपके दिमाग में आ जाए। एक और मेथड है, इस फॉर्मूले को तो आप सीख ही लिए हैं, इस फॉर्मूले को तो आप सीख ही लिए हैं। एक और मेथड कहीं कहीं जब बहुत लिमिटिंग कम दी रहती है तो भी जान लीजिए, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी बाई बी स्क्वायर, ये यूज किया जाता है। ये कैसे यूज होता है तो वैल्यू के यूज करेंगे, तो कैसे आया है ये थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं, टेकिंग डिफरेंशियल 1/x 1/a + 1/b। तो इसका जो डिफरेंशियल करते हैं आप, तो ये डेल बाय डेल एक्स, और ये माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर, पावर माइनस में आ जाती है, या इसको एक बार इस रूप में समझ लें, या इसका डिफरेंशियल हो रहा है x^-1, a^-1, b^-1। तो डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 1/x इसका 1 x^-1 का डिफरेंशियल माइनस x^-2, मतलब जो पावर होती सामने आती है पावर एक माइनस हो जाती है, n n-1। डिफरेंशियल ऑफ d/dx ऑफ x^n जो होता है वो n x^n-1 होता है। तो इसी रूप में पावर सामने आ गई, पावर माइनस एक और हो गई, तो यहाँ माइनस यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में किया गया वो भी लिखना है आपको, डेल्टा x, और इसे माइनस बाहर आ गया, और ये -2 delta a, ऐसे ये माइनस बाहर आ गया b^-2 delta b, इस रूप में आ गया। तो डेल्टा x/x² = delta a/a² + delta b/b². तो ये फार्मूला आ गया, तो इसका डेरिवेशन कुछ इस रूप में आता है। आपको हल्का सा मैंने हिंट के फॉर्म में बताया, जानबूझ के थोड़ा शॉर्ट बता दिया कि डायरेक्ट कोर्स में नहीं है, इसके रूप में देखिए तो ये फार्मूला मैक्सिमम यूज कीजिए, अगर बहुत कम लिमिट दी गई है तो ये फार्मूला फिर यूज करेंगे। आइए एक एग्जांपल से क्वेश्चन से इसको बता देते हैं तो ध्यान में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर निकालना है, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर जहां u दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 50.1 प्लस
प्लस माइनस एरर के साथ में दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर एंड वी दिया गया आपको, वी कितना दिया गया है, वी कितना दिया गया 20.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो आइए एरर लिमिट हम लोग निकालें और समझें जरा कैसा होता है। वी नो दैट, कैसे इसको इनवर्स वाले क्वेश्चन लगाते हैं, वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दैट इज द 1/v प्लस 1/u कर लीजिए, दैट इज द मिरर फार्मूला आप जान रहे हैं, यहां इसको हम यूज कर दें तो 1/f ये 50.1 आ गया प्लस माइनस 20.1, सॉरी यहां पर v की जगह 20.1 है और u की जगह 50.1 है, तो ये आ गया। तो 1/f की जगह इसको सॉल्व किया जाएगा तो 20.1 इंटू 50.1, ये 50.1 प्लस 20.1, तो f की वैल्यू आ गई 20.1 इंटू 50.1 डिवाइडेड बाई, तो सॉल्व करेंगे 70.2। आइए इसको सॉल्व किया जाए और देखें जरा कितना उत्तर आ जा रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 20.1 मल्टीप्लाइड बाई 50.1 डिवाइडेड बाई 70.2, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 14.14 सेंटीमीटर, दैट्स द ट्रू वैल्यू। और अगर ये रिलेशन है देन एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा यू बाई यू प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू अपॉन वी प्लस यू, ये फार्मूला यूज होगा। यही मैंने अभी आपको सिखाया कि जब भी इनवर्स रिलेशन हो तो ये फार्मूला आमतौर पे आप यूज करेंगे। तो आइए डेल्टा एफ हमको काउंट करना है, एफ की वैल्यू कितना आ गई 14.14, डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है आपका 0.2 और ये कितना है 20.1, ये कितना आ गया एरर 0.5 और ये कितना आ गया 50.1, दोनों एरर जोड़ लीजिए आपकी तो ये आ गया आपका 0.7 और यहां पे दोनों ये जोड़ लीजिए तो ये आ गया आपका 70.2। तो डेल्टा एफ कितना आ गया भाई, ये 14.14 का मल्टीप्लाई हो गया इस पार ले गए और इसको जो सॉल्व करके लिखते जाए हम, कितना है 0.2 डिवाइडेड बाई 20.1, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.00995 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 50.1, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.00998, ये आ गया आपका, और प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 70.2, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 0.0097। तो आइए डेल्टा एफ यहां से हम लोग निकाल पाएंगे, इसको पहले जोड़ डालिए जरा, कितना कितना है 0.00995 प्लस 0.00998 प्लस 0.0097, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 14.14 ही है और इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 0.0293, ये आ जाएगा आपका 0.02963 और मल्टीप्लाइड बाई इसको अगर हमें करना है ये 14.14 से, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये 0.41489 कितना सेंटीमीटर। हेंस फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर विथ एरर लिमिट ये कितना आ जाएगा, एफ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14.14 प्लस माइनस 0.421 था, राउंड ऑफ कर लिए, कितना आपका सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया है, उम्मीद है आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां कोई समस्या आए बिल्कुल कमेंट करिएगा,
लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और बिल्कुल जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनवर्स के सवाल भी कॉम्पिटिशन में कई बार आए हैं, और मेनली ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा कि अगर इसमें वैल्यूज डेल्टा जो यू है या जो एरर बहुत कम होगा तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके काम चला सकते हैं। किसी न किसी फार्मूले से आपका आंसर आपका एकदम एग्जैक्ट मैच करेगा और दोनों ही मेथड के लिए आपके सही माने जाते हैं। तो करिएगा बच्चों, एग्जाम्पल के साथ में इनवर्स भी मैंने दिखाया आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं, एरर पूरा पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में डायमेंशंस और आगे के टॉपिक्स को जरूर डील करेंगे। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।